सॉरी 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 रियली सॉरी गाइस, छठ का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा लेट है, सो लेट्स एंजॉय द व्लॉग। तो मैं न्यू व्लॉग में, सो फाइनली सरप्राइज इज कम्स, उसका मैंने ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया, पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम बिजी था। सो हियर इज द सरप्राइज गाइस, ये देखो न्यू फोन जो कि है मोटोरोला S40, ये था सरप्राइज गाइस हमारा, और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था, खुश था। और मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाई लेकिन मैं डाला नहीं, मतलब पूरा मतलब फ़ायदे कैसे रहा। तो अभी जो है आज जो तारीख है, तारीख नहीं कितने रुपये चेक करने दो, 16 नवंबर, यानी कि आज जो है 16 नवंबर है, और कल हमारा छठ है, वो है परसों शाम वाला, उसके अगले दिन सुबह वाला है। और कल नहा खा, सो मम्मी जा रही है मामा घर छठ करने, मतलब मम्मी हमेशा मामा घर छठ करती है, सो अभी मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पे, बस मैं जाऊँगा छोड़ के आ जाऊँगा वापस मम्मी को मामा घर, क्योंकि मेरे को यहाँ पर रहना, यहाँ पे कुछ काम है मेरा। सो अभी फिलहाल मैं मस्त रेडी हो चुका हूँ, बाकी के आगे के व्लॉग रहेगी प्राची कंटिन्यू। बाकी मेरा इंस्टाग्राम है, एक मेरा अपना इंस्टाग्राम बनाया है ARP गुप्ता फैमिली व्लॉग में, मैं बहुत कम पोस्ट करता हूँ, अपना एक इंस्टाग्राम बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको भी फॉलो कर लेना आप। मैं जाता हूँ, बाकी का डिस्क्रिप्शन भी थोड़ा बहुत देख लेना, और आगे का ब्लॉग करेगी प्राची कंटिन्यू, ठीक है? जो आगे का ब्लॉग करेगी प्राची कंटिन्यू, वादा पक्का करना है तुमको, बाकी का ब्लॉग कर दिए हैं। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। प्राची अपना नाम बताओ, अपना नाम क्या है? RDLLVEL रिद्धि लाडो, नहीं लक्ष्मी नाम। और मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ वापस, सो ये फोन मेरे को ब्लॉग में दिखेगा, और जाके अब से ये वीडियो में नहीं दिखेगा 4-5 दिन तक, 4-5 दिन तक लटन फिर हम आ जाएंगे 21 नवंबर तक ये नहीं दिखेगा। अच्छा, वापस आएंगे, जैसे वापस आऊंगा घर से छठ के दिन, छठ के दिन ये आएगा, मतलब तक हमने उसके पहले तुम्हारे दिखूंगे, ये नहीं दिखेगा, बाकी ये देखेंगे। ओके बाय, आपको मिलता हूँ, अपने दूसरे वाले फोन से शूट करूंगा, और छठ के 3-4 दिन का ब्लॉग डे के एक ही साथ कंबाइन करके आएगा, और मिलते हैं आपको घर पे गाइस। मैंने खाना वाना खा चुका है, तो इसके आगे तो मैं ही करूंगी फिर ब्लॉग, तब तक मैं तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं हम लोग खाते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा इस वीडियो को, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं जल्दी, लाइक करते हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग। फिलहाल गाइस दिस इज लास्ट डे, और मैं सुबह सुबह मस्त उठ चुका हूँ, फिलहाल रात में मैंने बिल्कुल ब्लॉग नहीं किया, रात में हम लोग मस्त डिनर करके सो गए थे, बाकी प्राची देखना क्या कर रही थी, आप प्राची का देख ही रहे होंगे मेरे को तो बाद में पता चलेगा। और अभी तो मैं जाऊंगा मस्त दुकान पे सुबह सुबह, सो अब देखो गाइस प्राची क्या कर रही है। सो गाइस अभी फिलहाल मैं मस्त दुकान से आ चुका हूँ, और यहाँ पर मेरे को बहुत सारे काम है, इस रूम का बेड ठीक करना है, इस रूम का भी बेड ठीक करना है, और झाड़ू वगैरह अभी मैं नहीं लगाऊंगा, मेरे डायरेक्ट तो लगाएगी वो, बाकी मेरे को कुछ कपड़े भी धुलना है, तो डायरेक्ट अपना काम करते हैं मस्त, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। सो गाइस फिलहाल अभी आ चुका था मस्त, मैं छत पे कपड़े डालने, तो जितने मैंने कपड़े धोए सब डाल दिया मैंने, अब चलते हैं नीचे और करते अपना मस्त ब्रेकफास्ट वगैरह। बाकी मेरे को नहीं पता प्राची क्या कर रही है, वो मैं ब्लॉग देखूँगा तब मेरे को पता चलेगा, तो एडिट करूँगा, तो आप देखो गाइस प्राची क्या कर रही है। भाई अभी तो मैंने ब्लॉग नहीं किया था, कल या परसों किया होगा, रुद्रांशु ने कहा था कि आगे कंटिन्यू मैं ही करूँगी ना, तो इसलिए अभी मैंने नहीं नहाया है, तो अभी मैं नहा के आती हूँ, नहा चुकी हूँ, तो अभी मैंने तो अपना ब्रेकफास्ट तो कर लिया है, क्योंकि मैं अभी दिन में नहाई हूँ, अभी टाइम बज रहा है, अभी देख लो
2:30 या 2 बज रहे हैं, ठीक है। तो मैं ना जब खाना खाऊंगी तो आपसे मिलते हैं। वन छठ का शुरुआत हो गया है, तो देखो ये अभी खीर बनाया और एक कोई रोटी बनता है तो मुझे याद नहीं है। देखो यहाँ पे नानी बना रही है खीर, तो बहुत टेस्ट लगता है। अभी अभी बहुत इंजॉय करना है, तो अभी हम लोग ना इसको मिलते हैं। अभी देखो, देखिए आप भी जरूर खाए होगे बचपन में, अभी भी खाए होगी छठ में, तो आपको बहुत 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 हैप्पी छठ पूजा मेरी फैमिली की भी तरफ से। तो इसलिए अभी जब ये लगता है खाना, तब तक हम लोग बात करते हैं। मम्मी आटा बिल्कुल नहीं है। 3 बज चुके हैं, मैं लंच भी कर लिया। लंच के बाद मैं मस्त खा रहा हूँ पेस्ट्री। अब पता क्या हुआ था, मैं सुबह से सुबह 1 घंटे 1.5 घंटे अपना होमवर्क बनाया स्कूल का। उसके बाद जो मैं इंस्टाग्राम पर लगा हुआ और देखो अभी पूरा बंद हो चुका है मोबाइल, तो चार्ज में मैंने लगाया है और पावर ऑफ हो चुका था, तो जितना देर में चार्ज हो रहा था देखो मैंने इतना पेस्ट्री खा के ख़त्म भी कर दिया। सो अभी थोड़ा सा मैं जा रहा हूँ, मस्त सोएंगे या कुछ भी करेंगे, पेस्ट्री इंजॉय करेंगे, इसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। गाइस अभी मैं मस्त सो के उठ चुका हूँ और अभी फिलहाल शाम के 5:30 हो रहे हैं और मैं जाता हूँ अभी छत पर, देखते क्या क्या चल रहा है। सो गाइस फिलहाल दिस इज नेक्स्ट डे और इस ब्लॉग ये ब्लॉग पता नहीं कहाँ तक कंटिन्यू रहेगा, अगर ज़्यादा लंबा हुआ तो मैं इसको एंड कर दूँगा। तो फिलहाल तो मैं सुबह उठ के क्या किया, दुकान गया, दुकान से आके मस्त ब्रेकफास्ट कर लिया और खा रहा हूँ मैं केक। सो गाइस अभी फिलहाल मैं आज है जो शाम वाला छठ का दिन, सो मैं कल और मतलब बिल्कुल ब्लॉग नहीं किया और आज जो मेरा एक चैलेंज है, आज मेरे को फिर हमारे जो बिहार की जो मतलब क्या बोलते हैं बिहार की जो मात्र बोली है वो भोजपुरी है, तो आज मैं पूरा दिन भोजपुरी बोल के लेने वाला। तो कैसे निभाने रहा हुआ लोग, आज हम भोजपुरी में अपन ब्लॉग करें। तो अभी हम तैयार हो गए बानी, देखता नहीं हम पीला रंग के शर्ट पहनने बानी और नीचे जीन्स पहनने बानी काला रंग के। तो अभी हम जाएँ अपन ममहर और ममहर से हमार मम्मी ममहर में छठ कर ली, तो हम जाते हैं अपन ममहर, तो पूजा से हम अपन छठ के दिखाएँ। तो अभी हम तैयार हो गए बानी, हम जाएँ गाड़ी से और आपका आप रखे रहोगे रास्ते में मिलता नहीं। तो हम अभी बैठल बानी अपना गाड़ी में, तो हमारा के सब कुछ छोड़ के भाग गए बा, तो उन्हें देखता नहीं किधर बा ना, वही में गए बड़ा लोन शर्ट किने, तो ही देखा गाड़ी बा हमार। तो अभी हम बैठल बानी अभी अंदर, तो अभी आई लोग फिर हम चले वापस अपन ममा, तो वही हमारे छठ हो गया हमेशा से। तो अभी रुका आपका लोग के बहुत लोग से मिला है। गाइज अभी हम पहुँच गए बनी अपन गाँव में, मतलब अपन ममहर, तो ऐजा हमारे के अभी कुर्ता मस्त हम पैजामा पहन ले बनी। तो अभी हमारा के दौड़ा उठा के बाद, तो अभी हम ब्लॉग ना कर पाए, बहुत कम ब्लॉग कर पाए, अब जन हुई तो हम देखल जाए। चले अभी हम जाए दौड़ा उठाएँ और चले अपन घाट पर। ऐजा हम 10 आदमी से बोल चुकल बनी कि हमारा तनिक कैमरा मैन बोल जाओ, कोई हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर दे, लेकिन कोई करने वाला नहीं है गाइज। तो मेरे को अभी दौड़ा उठाना है, तो आपको डायरेक्ट मैं घाट पर बोलता हूँ, ठीक है ना गाइज। हाँ।
चल गए। ऐसे कर देख सकते हैं आप लोग कि फोटो क्लिक कराने के लिए पंडाल के पीछे तो गाइस हम चिवरा मागल बनी दिखा देखिए जैसे नजारा। अभी हम पंडाल के पीछे बनी फोटो खींचे देखा वैसा फोटो शूट चलाता तो देखी। अभी देखी सूरज देवता कितना अच्छा लगा तरह देखिए देखिए आप फोटो क्लिक कर रहे हैं। जब हम लोग चलते हैं चिवरा में से वहाँ पर बम फूट रहा है तो जल्दी भागना पड़ेगा हम लोग को। हम उठ गए बने सुबह सुबह रहे अभी देखिए हम रखे बहुत देखिए यहाँ पे लाइन लगा है कहाँ जाने के लिए टट्टी जाने के लिए बाथरूम। अच्छा भाई हम पहले आ रही है दीप्ति हाय बोलो लोग हाय तो अब हम लोग बहुत लंबा लाइन है बहुत लंबा लाइन है कर तो अभी हम लोग चलते हैं मतलब बहुत 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 ज़्यादा ठंडा वाला पानी है और रात बहुत बुरा लगा इंडिया जो है मतलब हार गई है मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगा क्या बोले बहुत बुरा लगा गाइस कि इंडिया हार गया बहुत मतलब सभी लोग रोने लगे थे मतलब प्लेयर्स सो बहुत बुरा लगा गाइस। कोई बात नहीं अब हम चलते हैं घाट पे अब जंगल में बहुत ठंडा ठंडा पानी है नहाएंगे वहाँ पे सुबह हम चलेंगे घाट पे। गर्मी लगता है तनिक ज़्यादा गर्मी लगता का अकड़ अकड़ गर्मी आई बरिश। सो गाइस फिलहाल दिस इज नेक्स्ट डे और मेरी मम्मी बिक्री करने चल रही है सो अभी कल सुबह वाले छठ पर गए थे लोग वहाँ से आ चुके हैं जैसे कि आपने देखा होगा ब्लॉग देखा होगा और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है तीन चार फोन में मतलब मेरे फोटेज है उसको एडिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये देखिए मैं हूँ दीप्ति एंड मैं खा रही हूँ लाइक दिस छठ के अगले दिन सबको ईख खाता और मुझे खाते हैं कि कितने सारे ईख खाए हैं तो देखो पूरा वहाँ पे पूरा कचरा कचरा कर दिया है और सामने दिख रही होगी सब कोई जानता है देखो खा के क्या किया इसका मुंह भी छिल चुका है खा चुका है। हाय गाइस हेलो हाय ये तो सारा खा के फैला चुके हैं और वहां पे मीटिंग चल रही है फाइनली इट्स टाइम फॉर एंड द व्लॉग। पता है गाइस व्लॉग कैसा लगा बहुत ज़्यादा लेट था मेरे को पता है मतलब
उसका फोटोज बहुत सारे फ़ोन में थे और भी बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो इस ब्लॉग में प्राची का भी बच्चा का था यूज़ ज्ञान है, उसने बहुत हेल्प किया है, ब्लॉग किया है जाके। सो और आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कहीं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में और मिनी ब्लॉग के साथ। मिनी ब्लॉग में मैं आपको मिलते रहूँगा। सो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।